I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Alright, so hey guys, what everybody, it's Adit Jill back with the new video. So guys, जैसे कि मैंने recent vlog में update दी थी मेरे new mobile के बारे में. So guys, finally मेरे हाथ में आप देख सकते हो, वो आज सुबह arrived हो चुका है. So guys, मैं काफी excitement हूँ इसको खोलने के लिए. तो जल्दी से इसको खोलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे और भी कुछ करेंगे, वीडियो में बनते रहिए. तो चलो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते गाइस. तो गाइस, पैकेज को जैसा आता है हमें पैकिंग करके, तो यहाँ पे मेरे सब एड्रेस वगैरह है और इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं. उसको फॉलो करके इस पैकेज को फाड़ना है, ऐसे कैसे भी नहीं फाड़ना है. तो मैं देखता हूँ अभी इसको धीरे धीरे से. तो चलो अनबॉक्सिंग करते गाइस. और एक बात कि मैं इसे टेक्निकल गुरुजी वाले ऐसे अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं इसमें ज़्यादा. तो हम लोग जस्ट नॉर्मल अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी. और यहाँ पे बिल है मेरा, जो कि मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा. चलो बॉक्स को निकाल दें. बॉक्स मैंने पहले से ही जो है उसकी सील तोड़ दी है. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल. तो इसलिए मैं सील खोल लेते हैं. बॉक्स की पैकिंग भी देख सकते हो आप पूरा. तो बॉक्स पूरा रेड रेड सा है, वन प्लस वो दिख रहा है यहाँ पे. और बॉक्स खोलने के बाद कुछ इंटरफेस आता है. ये जो है वो है, उसमें क्या क्या देखते हैं हम लोग भाई. तो इसमें वन प्लस के स्टिकर और सिम इंजेक्टर है. वैसे ही वेलकम कार्ड और इंफॉर्मेशन कार्ड वगैरह सब है. इसको साइड में रखते हैं. और आता अपनी फ़ोन की ओर. उसको वन प्लस 72/256 GB मेरे हाथ में है, हेजल ब्लू कलर. उसको निकालते हैं हम लोग. सो गाइस, इसकी फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हो. ब्लूटूथ तो इतना चमक रहा है और इतना भारी है कि लग रहा है हाथ में कुछ प्रीमियम फ़ोन जैसा लग रहा है. तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं थोड़ा. और बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है. वन प्लस का नेवर सेटअप. और यहाँ पे हमें एक केस मिलता है कंपनी की ओर से मोबाइल के. और चार्जर एडेप्टर दोनों रेड रेड वाइट रेड. तो इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी बॉम है गाइस. देख सकते हो लिटरली हर एक पार्ट के लिए छोटी छोटी जगह. तो अभी आते हैं फ़ोन की ओर. इसको थोड़ा साइड रखते हैं. और फोन साइड से स्विच ऑफ होगा. ओके, सो यहाँ पे ऑन हो रहा है फ़ोन हमारा. सो ये 256 GB का है और इसकी जो रैम है वो 8 GB है. और इसकी कैमरे की बात की जाए तो हम वीडियो में आके कैमरा टेस्ट भी करेंगे, लेकिन इसका जो कैमरा है वो है कुछ 48 MP, 60 MP और 13 MP में तीन कैमरा है, ट्रिपल कैमरा और एक फ्लैश. और आप देख सकते हो इसका लुक तो कितना बॉम है. तो फ़ोन यहाँ पे ओपन हो गया है और इसमें मैंने पहले से अपने जो अकाउंट से ओपन कर लिए गाइस, इसलिए फिंगरप्रिंट लॉक से खुलेगा. पहले से अकाउंट और मैंने अपडेट भी कर दिया, इसको अपडेट भी आया था इसलिए. आप देख सकते हो तो इसकी कैमरा टेस्ट वगैरह करते हैं हम लोग. और इसके मैं फीचर्स बता दूँ तो इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो डॉल्बी एटमॉस है, जिससे कि ये भी हम लोग टेस्ट करते हैं आगे. और सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमें ऑन स्क्रीन बिल्ड मिलता है. देख सकते हो कितनी स्पीड से खुलता है, ऐसा है. और फ्रंट का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है. और जो मुझे एक बात जो अच्छी लगी वो ये है, ये छोटा सा बटन जैसे कि आईफोन में मिलता है, स्पीड में जो साइलेंट कर देता है वाइब्रेशन या फिर जनरल स्क्रीन. तो इसकी फिनिशिंग देख सकते हो फ़ोन की आप. और यहाँ नीचे सीट तक देख सकते हो आप. और इस सीम के लिए सिम कार्ड स्लॉट और सीट अप चार्जिंग. तो गाइस, मुझे ये जो वीडियो बन रही है वो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब टेक्निकली नहीं बन रही है. तो मुझे इस फ़ोन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है. तो कुछ भी मैंने गलत बोल दिया होगा तो गाइस इसको इग्नोर करो, क्योंकि वैसे ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ. ठीक है. सो गाइस, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टेरेस पे अपने कैमरा क्वालिटी टेस्ट करने के लिए. सो आप अभी मैं वन प्लस से शूट कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई तो दिया होगा क्वालिटी में फ़र्क. और मेरे को लगता है साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बॉम्ब है इसकी. एक मिनट पीछे का नजराना देखो यार, एकदम कतई जहर है. और अभी यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो क्लिक्स करता हूँ इस फ़ोन से और देखते हैं कैसे आते हैं कैसे नहीं. ओके, ऑलराइट गाइस, सो जिसके भी यहाँ पे क्लिप देख ही सकते हो, तो ये क्लिप मैंने 4K 60 FPS से शूट की है. तो क्लिप काफ़ी बॉम्ब है, आप देख ही सकते हो. अभी इसमें स्मूथली अप डाउन कर रहा हूँ, स्पीड हो रहा है. तो स्टेबिलिटी पावर इसकी काफ़ी बॉम्ब है, 60
लेके इसे शूट कर रहा हूँ, इसलिए भाई मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, फिर भी वीडियो स्टेबिलिटी वो बनी है। तो यार कैमरे के मामले में तो काफ़ी कम है यार मैं भाई। तो यार मैंने ग्रीन ग्रास की नॉर्मली एक ली है क्लिप जो कि सेम है 4K 60 FPS ही है, वो भी सेम 60 FPS। और यहाँ पे गाइस एक आपको बटरफ्लाई देखने मिलेगा, बटरफ्लाई को देखो आगे। तो उसमें क्या है गाइस वीडियो क्वालिटी में वीडियो क्वालिटी बॉम्ब है, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो उसका कैमरा कैसा है कैसा नहीं। सो अपने जितने भी व्लॉग्स अभी शूट होंगे सब इससे ही शूट होंगे, तो जो भी क्वालिटी रहेगी वो काफ़ी बॉम्ब रहने वाली है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेबिलिटी और क्वालिटी के बारे में। सो काफ़ी बॉम 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 वाले व्लॉग्स आने वाले हैं अपने अभी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो।